हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ में हिंदी नोटबुक पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पेज की साइज़ A4 सेलेक्ट करना है। ये जो पेज साइज की ड्रॉपडाउन एरो है आपके, इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से A4 कर लेना है। अब उसके बाद आपको इस पेज की साइज़ का एक रिक्टेंगल ड्रॉ करना है। दैट मीन्स आपको A4 साइज का एक रिक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको इस रिक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। माउस का लेफ्ट बटन जब आप दो बार क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इस पेज के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रॉ हो चुका है। देन आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F5 होता है, तो मैं कीबोर्ड में F5 प्रेस करूँगी जिससे हमारा फ्री हैंड टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इस नोट के ऊपर एक बार क्लिक करना और कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है और कुछ इस तरीके से इस लाइन से मिलाते हुए आपको यहाँ पर एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है जिससे ये ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज आप कहीं बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है, इसे ड्रॉ करना है। अब आपको देखना है कि इसकी विड्थ कितनी है। तो मैं इस रिक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगी, तो यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ 210 mm है। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं 210 mm कर दूँगी। अब उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ इस रिक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लेना है। करेंट टाइम में अभी केवल ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सिलेक्टेड है, लेकिन अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड रखना है और एक बार इस पर क्लिक करना है जिससे ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक बार सी प्रेस करना है जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं एक बार बाहर क्लिक करूँगी जिससे ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगेन इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगी, ओनली इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी। देन अप एरो की हेल्प से इसे अपने अनुसार सेट करूँगी, यहाँ पर सही है। एंड उसके बाद अब आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है और इसका डुप्लीकेट कॉपी करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए लाना है, देन राइट क्लिक कर देना है जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब आपको इस पूरे पेज में इस लाइन को रिपीट करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल आर प्रेस करना होगा। आपको कंट्रोल आर प्रेस करते जाना है जब तक ये पूरे पेज में रिपीट ना हो जाए। तो अभी पूरे पेज में रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सबसे ऊपर वाली इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगी, इस लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करूँगी जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी कलर मैं रेड करूँगी, रेड कलर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी जिससे इसकी कलर रेड हो जाएगी। एंड देन मैं इसकी विड्थ थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ, मैं यहाँ से 2 PT सेलेक्ट करूँगी। अब उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करूँगी। तो डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी, देन कीबोर्ड में न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करूँगी जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। अब अप एरो की हेल्प से इसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दूँगी, ये सही है। अब मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी, देन F4 प्रेस करूँगी जिससे ये फोकस हो जाएगा। एंड उसके बाद अब आपको अगेन फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है। आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F5 प्रेस करके भी फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड ही रखना है तभी यह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अब उसके बाद इसकी विड्थ भी मैं 2 PT कर लेती हूँ, इसकी कलर मैं रेड करूँगी, रेड कलर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी जिससे इसकी कलर रेड हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको अब इस रिक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। अब देखना आपको कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट 297 mm है, 297 mm है। तो अब आपको इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी हाइट 297 mm करना है। अब सही है। अब आपको शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले रिक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करना है, एक बार बी प्रेस करना है जिससे ये बॉटम में सेंटर प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब आपको एक बार इसे डी सेलेक्ट कर लेना है। देन अगेन आपको सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ओनली इस स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है और कुछ इस तरीके से आपको अपने अनुसार इसे सेट करना है। एंड उसके बाद मैं कीबोर्ड में प्लस प्रेस करूँगी जिससे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा और राइट एरो की हेल्प से इसे थोड़ा आगे लेकर जाऊँगी और इसे सेट कर दूँगी। एंड उसके बाद अगेन आपको
रिक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं कीबोर्ड में F6 प्रेस करूँगी जिससे हमारा रिक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। देन आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसे थोड़ा मैं राउंडेड कर लेती हूँ, आपको कुछ मैं थोड़ा इसे जूम इन कर लेती हूँ। अब शेप टूल को सिलेक्ट करूँगी और थोड़ा कुछ इस तरीके से इसे राउंडेड करूँगी, इतना सही है। देन इसकी आउटलाइन की जो विड्थ है वो मैं थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ, मैं 2PT कर लेती हूँ और इसकी कलर भी मैं रेड करूँगी। तो रेड कलर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी जिससे इसकी कलर रेड हो जाएगी। अब आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है, इसका शॉर्टकट की F8 होता है। तो मैं कीबोर्ड में F8 प्रेस करूँगी जिससे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं टाइप कर लेती हूँ पेज नंबर, देन डॉट डॉट लगाऊंगी, इंटर प्रेस करूँगी और यहाँ पर डेट टाइप करूँगी, देन अगेन डॉट डॉट लगा लेती हूँ। अब उसके बाद इसे इसकी साइज़ थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और इसे सेंटर में रखती हूँ मैं। इसकी कलर रेड करूँगी, रेड कलर के ऊपर आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसकी कलर मैं रेड कर लेती हूँ, रेड कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगी तो इसकी कलर रेड हो जाएगी। और अब इन दोनों को मैं शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर देती हूँ। अब आप इसको सेंटर में प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फाइनली हमारा हिंदी नोटबुक पेज क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरेल ड्रॉ में इस तरह का हिंदी नोटबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं।